समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। मंगलवार को गैर भाजपा नेताओं की ओर से एप्पल उपकरणों पर प्राप्त चेतावनी का स्क्रीनशॉट साझा करने के बाद एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। एक ओर भाजपा इन आरोपों को निराधार बता रही है तो दूसरी ओर गैर भाजपा नेता जिनमें महुआ, मोहित्रा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और IMIM के प्रमुख अश्विनी ओवैसी जैसे नेता शामिल है, उन्होंने सरकार पर जासूसी के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में सरकार की ओर से बयान देते हुए भाजपा नेता ननिल कोहनिल ने सरकार का बचाव किया। इस बीच एप्पल ने मंगलवार को विपक्षी नेताओं के आरोपों के बीच दावों का जवाब दिया। कंपनी ने कहा कि यह संभव है कि कुछ एप्पल चेतावनियां गलत अलार्म हो सकती है। अपने तकनीकी सहायता पृष्ठ से निकाले गए एक संक्षिप्त बयान में एप्पल ने कहा कि राज्य प्रायोजित हमलावर बहुत अच्छी तरह से वित्त पोषित और प्रकर्षित होते हैं। ऐसे हमलों का पता लगाना खतरे के खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है जो अक्सर अपूर्ण होते हैं। कंपनी ने कहा कि यह संभव है कुछ चेतावनियां फॉल्स अलार्म हो सकती है या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाता है। सूरतगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी डूंगर राम गेदर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर इंदिरा पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित कर दोनों महापुरुषों के देश निर्माण में योगदान के लिए याद किया। विधानसभा चुनाव में गेदर ने कृषि उपज मंडी में व्यापारियों व किसानों से मिलकर वोट की अपील की है। बरलूर थाना क्षेत्र के कृषि कुएं पर बुजुर्ग की हत्या के मामले को गंभीरता से देखते हुए SP ब्रजेश सोनी पहुंचे और मौके पर साथ ही सिरोही डिप्टी पारस चौधरी भी पहुंचे। वहीं मोबाइल टीम और FSL और टीम MOU की बुलाया, मौके पर हत्याकारों के जांच में UP पुलिस मौके पर मौजूद रही। वहीं पूछताछ की जा रही है। सुबह 5 बजे मिली सूचना पर बरलूर थाना क्षेत्र के मंडवाड़ा के कृषि कुएं पर खाट से बांधकर बुजुर्ग की हत्या की गई है। राजकीय महाविद्यालय शापरा में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर पुष्कराज मीणा में मुख्य वक्ता दिग्विजय सिंह ने की है। फुलेरा से खबर, जहां इटावा रोड स्थित प्रधान कांग्रेस कार्यालय पर मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। संगठन महामंत्री शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की व विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया।